ये ना एक बेस्ट एग्जांपल है सूडो फोर्स का, कि न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे सूडो फोर्स पे। इमेजिन करो कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये लो ठीक है, और ये एंगल क्या है थीटा, बनाओ डायग्राम साथ साथ। इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास क्या है एम, ठीक है। तो डायग्राम बनाने की आदत होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। एम ठीक है, अब क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा ही आएगा, रोकने वाली कोई फोर्स है ही नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि ये स्लाइड करता हुआ नीचे ना आए, ये ऐसी जैसा है वैसे का वैसे ही पड़ा रहे, यानी कि रेस्ट पे पड़ा रहे। तो अब कई तरीके हैं, किसी ने मैंने पूछा कैसे, वो एक स्टूडेंट आया वो कहता है जिसको पकड़ के रख लो, मैं कहा ना ना पकड़ना नहीं है, तो सबको पता ही है क्वेश्चन थोड़ा बना, नहीं पकड़ना नहीं है, तूने हाथ नहीं लगाना। वो कहता जी नीचे पंखा लगा दो, पंखा लगाओगे तो भी रेस्ट पे हो सकता है। मैंने कहा बात तो ठीक है यार, पर क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं पंखा लगा के फोर्स निकालो, क्योंकि अगर मान लो वो पूछ लेता है कि पंखे ने कितनी फोर्स लगाई तो आंसर क्या होगा, कितनी एम जी साइन थीटा, क्योंकि कितनी फोर्स से नीचे आ रहा है एम जी साइन थीटा, तो फोर्स ऑपोजिट कितनी लगनी चाहिए एम जी साइन थीटा सेम। कोई कहता है रस्सी बांध दो टच नहीं करना, हाँ तो भी रस्सी में क्या टेंशन होनी चाहिए एम जी साइन थीटा, सही है। पर मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपने क्या करना है आपने इसको मूव करवाना है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, इस इंक्लाइन प्लेन को आप तेज भगाओ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए ताकि ये नीचे ना गिरे। अब कोई कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है, ये तो छोड़ो ये भी हो सकता है कि आप इतनी तेज मूव करवाएं एक्सेलरेशन इतनी ज्यादा दें कि रेस्ट पे तो क्या छोड़ो ये ऊपर चढ़ना ही स्टार्ट हो जाए। बारिश के बाद कार के विंड स्क्रीन के ऊपर पार्टिकल होते हैं पानी के, जब कार चलती है बहुत तेज तो पार्टिकल नीचे ऊपर ऊपर जाते हैं हल्के हल्के, और अगर ब्रेक मारते हो तो पार्टिकल नीचे जाते हैं, और कई तो टिके भी रहते हैं। सारी गेम क्या है एक्सेलरेशन की, क्यों ये बताओ कि इस मास के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। एक इसका वेट, इसका वेट क्या है एम जी, जो इसका वेट है वेट कितने है एम जी। फिर दूसरा एक लाइन यहां अगर खींच लें ऐसे तो सबको पता है कि ये जो वेट है इसके ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, तो वेट का एक कंपोनेंट क्या होगा एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा एम जी साइन थीटा। तो ये क्या है एम जी साइन थीटा, और सरफेस के साथ परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कितनी फोर्स से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है एम जी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें, बन गया डायग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जब आप इस ऑब्जेक्ट को या इस इंक्लाइंड प्लेन को आगे एक्सेलरेट करवाएंगे तो इसके ऊपर जो सामान पड़ा है इसके ऊपर क्या लगेगी सूडो फोर्स, इस इंक्लाइन पे नहीं लगेगी, ये तो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, इसके ऊपर जो भी चीज पड़ी है उसके ऊपर सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है ऑपोजिट, अगर ये वेज इधर जा रहा है ए तो सूडो फोर्स कहां लगेगी ऑपोजिट, तो इस मास पे सूडो फोर्स लगेगी ऑपोजिट। तो ये रहा वेक्टर सूडो फोर्स का, जिसकी वैल्यू क्या है बोलो, जिसकी वैल्यू है इसका मास क्या है m और एक्सेलरेशन क्या है वेज की a, तो सूडो फोर्स क्या है m a, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक राइट। अब ये m a है, अब आप एक काम करो, आप इसमें इमेजिनरी लाइन यहां पे ड्रॉ करो कुछ ऐसे सच दैट आपको ये पता होना चाहिए अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या है थीटा, क्लियर है यहां तक थीटा थीटा। अब ये फोर्स एम ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट थीटा के साथ कितना एम ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कितना एम ए
साइन थीटा। क्या स्टेप क्लियर है? एम ए एक वेक्टर है तो ये थीटा एंगल है, एम ए कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? राइट right? किसी भी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट क्या होता है? कॉस, और परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन। राइट right? ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? अब आप चाहते हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे ना आए, नीचे आने की फोर्स क्या है? एम जी साइन थीटा। और अगर आप चाहते हो नीचे ना आए तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट फोर्स क्या लगनी चाहिए? एम ए कॉस थीटा। तो बैलेंस हो जाएगी, एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू जी इंटू कितना? टेन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? राइट right? इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितनी एक्सेलरेशन से ये मूव करे ताकि ब्लॉक नीचे ना आए, तो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे? जी टेन थीटा। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। अब कौन सी ये नॉर्मल रिएक्शन है? बॉडी की मोशन ऐसे तो है नहीं, तो एन किसके इक्वल है? एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? एन की वैल्यू, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, कैसे करनी है समझ में आ रहा है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर।